नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन लाइव मोड टू योर ओन साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, जिसका कि नाम है जर्नल प्रॉपर। क्या नाम है? जर्नल प्रॉपर। अभी दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, ये जर्नल एंट्री का ही जुड़वा भाई ऐसा समझो, और वो दोनों कुंभ के मेले में खो गए थे और यहाँ पर आके हमको ये जर्नल प्रॉपर मिला है। कहने की बात है कि ये चैप्टर के अंदर मेजोरिटी चीजें जो हमने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में पढ़ी थी वही आने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर की कुछ फंडामेंटल चीजें डिस्कस करते हैं और फिर अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन जिसकी हमें जर्नल प्रॉपर लिखनी होगी, यानी कि जर्नल एंट्री लिखनी होगी, उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी फंडामेंटल चीजों को याद कर लेते हैं कि जब भी कोई भी बिजनेस हो तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन को किस में लिखा जाता है? जर्नल एंट्री में। याद होगा आपको, जर्नल वाले चैप्टर में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर आपने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर के सेशंस ना देखे हो तो उसका सुपर रिविजन वीडियो भी आप लोग देख सकते हो हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन से भी या यूट्यूब से भी, और हर एक चैप्टर के ये हर एक टॉपिक के वीडियोज भी आपको हमारी साहस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। फिर से एक बार बताऊं कि जर्नल, जब कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करना है तो हम लोग जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल एंट्री के अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। अभी नॉर्मली बिजनेसमैन कब जर्नल एंट्री बनाना प्रीफर करता है? जब बिजनेस छोटी साइज का हो या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो, तो सभी टाइप के ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में लिख देता है, जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल। पर अगर बिजनेस की साइज बड़ी हो या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो, तो सभी ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में यानी कि जर्नल में लिखने की बजाय बिजनेसमैन क्या करता है, अलग अलग कैटेगरी के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बुक बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक वाला चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके भी सारे लेक्चर हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल ही है। सब्सिडियरी बुक का दूसरा नाम डे बुक भी होता है। अभी यहां पर अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग टाइप की सब्सिडियरी बुक यूज होती है। मैं आपको क्विकली याद करवा दूं कि सब्सिडियरी बुक के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि टोटल 8 अलग अलग टाइप की सब्सिडियरी बुक होती है। 8 टाइप्स की सब्सिडियरी बुक्स है, जिसमें सबसे पहले होती है परचेस बुक, जो कि क्यों बनाई जाती है? टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स किया हो तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए परचेस बुक बनाई जाती है। वो क्रेडिट पे परचेस हुए गुड्स रिटर्न होते हैं तो परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं पे अगर गुड्स क्रेडिट पर हमने सेल किए हो तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होते हैं, और वो क्रेडिट में सेल्स किए हुए गुड्स जब वापस आते हैं तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ये चीजें हमने सब्सिडियरी बुक वाले चैप्टर में देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि सभी टाइप के कैश ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में? ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश परचेज या कैश सेल्स ऑफ गुड्स हो, कैश परचेज या कैश सेल्स ऑफ असेट हो, इनकम रिसीव्ड या एक्सपेंस पेड का हो, या अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट पेड फॉर पास्ट रिसीवेबल और पेएबल हो, पर कैश ट्रांजेक्शन है तो उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे। फिर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक, इसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट नाम का एक सेपरेट चैप्टर होता है, और ये बहुत ही कम ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं वो बिजनेस ये बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक बनाते हैं। अब कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि इसमें से कोई भी सब्सिडियरी बुक के अंदर नहीं आता है, वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट सब्सिडियरी बुक बनाई जाती है, और उसी को हम लोग कहते हैं जर्नल प्रॉपर। देखो क्या कहा है, ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडियरी बुक, मतलब जो ट्रांजेक्शन ना परचेस बुक में आए, ना सेल्स बुक, ना परचेस रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना कैश बुक, मतलब कोई सब्सिडियरी बुक में नहीं आता है, तो उन लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक बनाई जाती है, और उस सेपरेट बुक को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल प्रॉपर। क्लियर? अब आगे हमने देखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में हो या सब्सिडियरी बुक में हो या कैश बुक में हो, तो हर एक के लिए अलग अलग टाइप के फॉर्मेट आते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट था,
परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न के हमने फॉर्मेट डिस्कस किए थे और उसी के अंदर उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे। फिर कैश बुक, बहुत बड़ा टेबल ड्रॉ करना था, मतलब शुरुआत हम लोग हमारी नोटबुक से करते थे और वो टेबल खत्म बाजू वाले की नोटबुक पे होता था। 14 कॉलम का 3 कॉलमनर कैश बुक याद है ना? वो भी याद ना हो तो उसके भी सारे के सारे लेक्चर्स हमारे सास स्मार्ट स्टडीज ऐप पर है दोस्तों, तो उन सबको देखना ताकि फंडामेंटल्स आपके अच्छे रहे। कोई भी लेवल के स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से समझ सके उस तरह से सारे के सारे कंटेंट मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो उसको जरूर देखें। तो अब कहने की बात यह है कि हर एक टाइप के सब्सिडरी बुक के अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो जर्नल प्रॉपर है सर उसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए जिसके अंदर हम लोग जर्नल प्रॉपर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि जर्नल एंट्री के लिए, जर्नल प्रॉपर के लिए आपको कोई सेपरेट फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं होती है। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट जो है इट इज सेम एज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वही जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है वो मैंने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में आपको लाइव समझाया हुआ है। अभी सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल यहां पर हम लिखेंगे जर्नल प्रॉपर। अगर जर्नल एंट्री होती है तो सिर्फ लिखते हैं जर्नल इन द बुक्स ऑफ श्री श्री भाविन सर। यहां पर जर्नल प्रॉपर है तो जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री श्री भाविन स्वामी या इन द बुक्स ऑफ श्री श्री भाविन स्वामी या भाविन सर, भाविन सर या कोई भी नाम जो आपको दिया होगा वो। फिर फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहला डेट का कॉलम, छोटा सा मार्जिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो डेट के लिए। देन पर्टिकुलर का कॉलम जो कि थोड़ा बड़ा होता है। फिर LF नंबर, लेजर फोलियो नंबर का कॉलम जो कि हमेशा ब्लैंक ही रहता है। देन डेबिट अमाउंट एंड लास्ट में क्रेडिट अमाउंट। तो 5 कॉलम का सेम जैसा जर्नल एंट्री का हम लोग फॉर्मेट बनाते थे वैसे ही ये जर्नल प्रॉपर का भी फॉर्मेट बनाना है। क्लियर? सब लोगों को यहां तक की चीजें सारी की सारी अच्छे से समझ में आई? अब अलग अलग कौन कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं, तो यहाँ पर पूरा मैंने लिस्ट दिया हुआ है और ये हर एक टाइप के ट्रांजेक्शन के ऊपर हम लोगों को एक 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 करके समझ के जर्नल प्रॉपर डिस्कस करनी है। तो चलिए ये सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन का लिस्ट हमने अभी देखा वो हर एक कैटेगरी के ट्रांजेक्शन को हम समझते हैं, उसके एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसकी जर्नल प्रॉपर लिखते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। आप लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट रखोगे, उसके अंदर भी ये सारे के सारे ट्रांजेक्शंस लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से आपको अपने नोटबुक के अंदर समझ के लिखना होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली हमारी टाइप है वो है ओपनिंग एंट्रीज की। अभी ओपनिंग एंट्रीज मतलब जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैश, असेट, गुड्स वगैरह सारी चीजें लाके बिजनेस स्टार्ट करता है। तो अभी देखो अगर कोई पर्सन सिर्फ कैश लाके बिजनेस शुरू करता है तो वो तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। बट कैश के साथ साथ कोई असेट, गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह सारी चीजें भी लाता है तो गुड्स या असेट आए वो तो कैश बुक में भी नहीं आते हैं, ना ही क्रेडिट परचेज या सेल्स ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन है तो परचेज या सेल्स बुक में भी नहीं आएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको जर्नल प्रॉपर में ही जर्नल एंट्री लिखनी पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में पढ़ा है। देखो मिस्टर भाविन शाह स्टार्टेड बिजनेस बाई ब्रिंगिंग कैश ₹50,000, मशीनरी ₹40,000, गुड्स या स्टॉक ऑफ गुड्स ₹10,000, डेटर्स ₹5,000 एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होती है वो भी यहाँ पर लाके बिजनेस शुरू करते हैं। तो जो भी कैश असेट्स या गुड्स बिजनेस में लाए है वो डेबिट होती है, जो लायबिलिटी लाते हैं वो क्रेडिट होती है, और डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। तो यहां पर आप देखो डेट के कॉलम में 1 या जो भी डेट हमें इस ट्रांजेक्शन के लिए एग्जांपल में दी हो वो डेट लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या लाया है, कैश, यहां पर हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट। फिर जो डेबिट होता है वो LF नंबर के कॉलम के जस्ट आगे लिखा जाता है। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखना हो, बचपन का प्यार भले ही भूल जाओ बट ये छोटी छोटी चीजें नहीं भूलनी है, तो आप अकाउंट में बेस्ट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ बोर्ड में 100 out of 100 भी स्कोर कर सकते हो। आपकी जो भी एग्जाम है मतलब फुल स्कोरिंग करना है अपने को। 50,000। दूसरा क्या लाया है, मशीनरी है 40,000 की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000, गुड्स या स्टॉक, या स्टॉक ऑफ गुड्स ये हमारे लिए असेट है,
तो वो भी 10,000 डेबिट। देन डेटर्स, डेटर्स मतलब कौन? वो लोग जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचा है और उनके पास से पैसे हमें लेने हैं, रिसीवेबल है, हमारी असेट होती है, तो डेटर्स का अकाउंट भी डेबिट होता है। डेटर्स ध्यान रखना, डेबिटर्स मत बोलना दोस्तों। डेटर्स अकाउंट डेबिट 5,000। जबकि जो क्रेडिटर्स है वो कौन होते हैं? जिनके पास से हमने गुड्स क्रेडिट पर खरीदा हो, जिनको हमें फ्यूचर में पैसे पे करने होते हैं, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बनते हैं, तो वो लायबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो टू, जो भी क्रेडिट अकाउंट होता है वो थोड़ी सी जगह ड्रॉप करके, देखो यहां पर मैंने थोड़ी सी जगह ड्रॉप की, ड्रॉप करके आगे हम टू लिखेंगे और फिर क्रेडिटर अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 3,000। अब क्या करोगे आप लोग? अपना अपना कैलकुलेटर ले लोगे, कैलकुलेटर पर डेबिट साइड पर जितनी भी अमाउंट है उन सबका टोटल करेंगे, उसमें से क्रेडिट साइड की अमाउंट को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो हमारी कैपिटल हो जाएगी। तो 50,000 प्लस 40,000 आप यहां पर देखोगे बोर्ड पर आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पर करोगे, प्लस 10,000 प्लस 5,000 एंड माइनस जो क्रेडिट है वो माइनस करेंगे 3,000। तो डिफरेंस कितना है? 1,02,000, जो कहां जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट, 1,02,000। जर्नल एंट्री जब जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसके बाद बाय डिफॉल्ट नरेशन लिखनी ही होती है, एक्सेप्ट कि एग्जाम्पल में बोल दिया है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो ही नहीं लिखने की, अदरवाइज जहां पर पर्टिकुलर का कॉलम है उसमें ब्रैकेट में बीइंग करके जो पूरा ट्रांजेक्शन होता है वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन नरेशन में लिख दिया जाता है, और उसके बाद सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्लियर? तो यहां पर हमारी पहली ओपनिंग एंट्री की जर्नल एंट्री या जर्नल प्रॉपर हो गई। समझ में आया सबको? चलो इसको समझ के आप हमारे पैम्पलेट में से वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए। चलो ये चीज आपने लिख दी हो तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके अंदर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सभी के सभी स्टूडेंट्स साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें, जहां पर सारे के सारे सब्जेक्ट के बेस्ट एजुकेशनल सेशन है, जिसे कोई भी लेवल का स्टूडेंट अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है। चलिए अभी जो सेकेंड टाइप थी, सेकेंड कैटेगरी, जो क्या है? क्रेडिट परचेस और सेल्स ऑफ असेट। देखो कैश परचेज या कैश सेल्स ऑफ असेट है तो कैश बुक में आएगा, क्रेडिट परचेज या सेल्स ऑफ गुड्स है तो परचेज या सेल्स बुक में आएगा, पर ये क्या है? क्रेडिट परचेज और सेल्स ऑफ असेट, तो असेट के जो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट के वो जर्नल प्रॉपर में आते हैं, और ये भी आपने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में पढ़े हुए ही है। देखो मुकेश अंबानी परचेज फर्नीचर, फर्नीचर जो कि असेट हो गई, ऑफ ₹5,000 फ्रॉम टाटा फर्नीचर मार्ट। देखो ये ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है, तो ट्रांजेक्शन में ही कहीं पे भी आपको कैश वर्ड नहीं दिया है, प्लस आपको नेम दिया हुआ है, मुकेश अंबानी का नाम कंसीडर नहीं करना क्योंकि उसकी बुक में ही हम लोग ये एंट्री लिख रहे हैं, तो टाटा फर्नीचर मार्ट दिया हुआ है नाम, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो असेट, असेट जो कि रियल अकाउंट में आती है, गुड्स एंड असेट याद करो, टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जिसमें रियल अकाउंट में गुड्स एंड असेट आते थे, और रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर कम्स इन हो रहा है तो डेबिट होगा। मैं आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ जर्नल प्रॉपर, सब्सिडियरी बुक, टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट के रूल, सारी चीजें रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? तो ये चैप्टर सीखने के साथ साथ हम दूसरे चैप्टर का सुपर रिविजन भी कर ही रहे हैं। तो यहां पर डेट के कॉलम में डेट, फर्नीचर खरीद रहे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। देखो परचेस अकाउंट डेबिट मत करना, परचेस अकाउंट कब डेबिट होता है? जब गुड्स खरीदे हो, तो यहां पर असेट खरीदी है तो असेट का नाम आता है क्योंकि तो यहां पर है फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000। तो किसके पास से खरीदा है? टाटा फर्नीचर मार्ट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या थे? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो तो यहां पर टाटा एंटरप्राइज गिवर है क्योंकि टाटा एंटरप्राइज ने फर्नीचर दिया तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, तो टू टाटा फर्नीचर मार्ट अकाउंट।
क्रेडिट होगा। क्लियर, डन। चलो उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, ओल्ड स्कूटर यानी कि व्हीकल यानी कि असेट ऑफ रुपीज 15,000 सोल्ड टू हनी सिंह फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। देखो पहले तो मैं आपको अभी ये 15,000 का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, सिर्फ इतना सोचो कि 12,000 रुपए का स्कूटर हनी सिंह को बेचा, वो सोच के एक बार एंट्री लिखवा रहा हूं और फिर 15,000 का 12,000 में बेचा, दोनों समझा देता हूं। पहले तो 12,000 रुपए में सिर्फ हनी सिंह को ओल्ड स्कूटर बेचा है तो असेट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हीकल जा रहा है तो व्हीकल अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये किसको बेचा है, हनी सिंह को, हनी सिंह पर्सनल अकाउंट, वो ये व्हीकल लेगा, डेबिट द रिसीवर। तो यहां पर क्या होगी एंट्री, हनी सिंह अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट या स्कूटर अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर आपको और अच्छे से समझने के लिए, ये तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने इजी कर दिया, बट जो ओरिजिनल पूछा है वो समझाता हूं अभी। अभी देखो यहां पर हमने 12,000 का लिया था, पर अभी पूरा ट्रांजेक्शन देखो कि 15,000 का ओल्ड स्कूटर हनी सिंह को 12,000 में बेचा, तो हनी सिंह को 12,000 में बेचा तो हनी सिंह के पास 12,000 ही लेना है, बट स्कूटर कितने का गया हमारा, 15,000 का, तो 15,000 का व्हीकल 12,000 में गया तो 3,000 का अपने को क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट किया जाता। तो यहां पर देखो हनी सिंह के पास से तो 12,000 ही लेना है क्योंकि उनको 12,000 में बेचा है, तो हनी सिंह अकाउंट डेबिट 12,000, बट 3,000 का नुकसान हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू व्हीकल या स्कूटर अकाउंट कितने का है, 15,000, तो वो 15,000 रुपए क्रेडिट होंगे। बोलो समझ में आया, चलो वीडियो को पॉज करो, समझ के इसको अपनी नोटबुक में लिख दो। चलिए दोस्तों यहां तक की चीजें आपकी हो गई है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप टू बी, ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। अभी दोस्तों ये बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल है ना, उसके लिए पूरा सेपरेट चैप्टर ही है, चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन और पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी जर्नल आती है जो कि हम लोग इस चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे उसके अंदर कवर करेंगे। तो अभी इसके ट्रांजेक्शन हम नहीं देख रहे क्योंकि सीधा एक दो ट्रांजेक्शन इसके समझाऊंगा क्लियर नहीं होगा, पूरा चैप्टर ही उसका समझना पड़ेगा हमें, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन कवर करेंगे। इसके बाद बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट एज वेल एज जो जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में हम लोग सीख चुके हैं, वही ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स। अभी आपको पता है कि बिजनेस में सेल्स के अलावा कोई भी और तरीके से गुड्स जाते हैं तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। देखो गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, परचेस अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, और वो रीजन जिसके लिए गुड्स गए हैं वो रीजन का अकाउंट क्या किया जाता है, डेबिट। वो रीजन का अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। क्लियर, जो हम जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में भी सीख चुके हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, गुड्स ऑफ रुपीज 1,000 गिवन एज चैरिटी या डोनेशन। तो देखो गुड्स गए चैरिटी या डोनेशन में दिए, मतलब गुड्स गए तो परचेस अकाउंट तो क्रेडिट होगा। क्यों गए, सर हमने डोनेशन दिया, हमने चैरिटी की, तो रीजन क्या है, चैरिटी या डोनेशन का, तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज, तो गुड्स बिजनेस में से गए हैं तो परचेस अकाउंट ही क्रेडिट होगा, ये तो कंफर्म ही है। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद सेकंड एक और देखते हैं, गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखो फ्री में सैंपल के तौर पर गुड्स हम क्यों देते हैं, ताकि सर हमारी एडवर्टाइजमेंट हो, लोगों को हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता चले और लोग वो सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदे। तो यहां पर
एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है तो डेट के कॉलम में डेट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2000 रुपये टू गुड्स गए हैं तो परचेस अकाउंट तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा, परचेस अकाउंट 2000। क्लियर। उसी तरह से 5000 रुपीज का गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या रेन, तो सिंपल है, 5000 रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा और गुड्स गए हैं तो परचेस अकाउंट तो क्रेडिट ही करना है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर या रेन जो भी है अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। क्लियर। अब इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी भी होती है जो हम जर्नल वाले चैप्टर में भी कर चुके थे कि भाई यहां पर 5000 रुपए का गुड्स जल गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, बट इंश्योरेंस कंपनी ने 3000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो 3000 रुपए हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास से लेंगे और सिर्फ 2000 रुपए का हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3000, लॉस अब हुआ 2000 का, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, जो कि अल्टीमेटली पी एंड एल अकाउंट में ही जाता है दोस्तों, टू 5000 के गुड्स जल गए तो टू परचेज अकाउंट, वो तो टोटल अमाउंट से ही आएगा 5000। क्लियर। चलो एक बार वीडियो को पॉज करके ये पहले 3 ट्रांजेक्शन को समझ लो पैम्पलेट में से और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। चलिए, जिन्होंने पहले 3 ट्रांजेक्शन लिख दिए हो वीडियो को पॉज करके, फिर वो आगे देखें। ट्रांजेक्शन नंबर 4, गुड्स ऑफ रुपीज 500 स्टोलन अवे, मतलब चोरी हो गई, तो लॉस बाय थेफ्ट, तो यहां पर हम लिखेंगे डेट के कॉलम में लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 500 नॉट 1000। तो परचेस अकाउंट। अब दोस्तों अगर ऐसा दिया है कि जो गुड्स स्टोलन हो गया था वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रिकवर हुआ, गुड्स विच वर स्टोलन अवे प्रीवियसली इज रिकवर्ड इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अमाउंट कोई भी हो, 200 300 500 जो भी है, तो क्या होता है, जो चोरी की हमने जो एंट्री लिखी थी एग्जैक्टली उसकी रिवर्स, मतलब गुड्स 200 रुपए का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे वो चोरी का वापस मिल गया, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, रिवर्स एंट्री की जाती है, ये चीज याद रखना। और लास्ट विड्रॉल, गुड्स ऑफ रुपीज 1200 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अभी देखो जब भी पर्सनल यूज के लिए ले जाते इसका मतलब क्या हो गया, ड्रॉइंग, तो 1200 रुपए का ड्रॉइंग, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है, तो यहां पर एंट्री आएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स बिजनेस में से गए हैं तो परचेस अकाउंट, अमाउंट जो भी दी है वो लिखेंगे 1200। क्लियर। चलो समझ के इसको लिख दो। दूसरी एक चीज भी ध्यान रखना दोस्तों कि आपको टेस्ट में एग्जाम में जब आएगा तो क्या होगा, ऐसे अलग अलग टाइप के 5-7 ट्रांजेक्शन एक साथ दिए होंगे, तो नॉर्मल जैसे जर्नल एंट्री में अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन एक साथ दिए होते हैं, वैसे ही जर्नल प्रॉपर के लिए आपको इस तरह से ट्रांजेक्शन दिए होंगे और वो ट्रांजेक्शन की आप एक एक करके नॉर्मल जर्नल एंट्री की तरह ही पोस्टिंग करते जाओगे। क्लियर। तो चलो यहां तक की चीजें जिसकी भी बाकी है वो नोट डाउन कर दो, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस टाइप 2D, जो कि क्या है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैड डेट। अभी बैड डेट क्या है ये आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए डेटर्स कौन है, जो कि हमने आगे भी देखा था, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था बैड डेट वाला, दया भाभी अब्दुल की दुकान पे जाती है, पैसे लेती है, सॉरी गुड्स लेती है और बोलती है 1 महीने के बाद टप्पू के पापा पैसे देंगे, तो दया भाभी डेटर बन गई थी। अब 1 महीने के बाद सपोज उसके पैसे दया भाभी या टप्पू के पापा मतलब जेठिया नहीं देता है, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, बैड डेट, जो पैसा डेटर के पास से नहीं मिला वो बैड डेट। देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी दया भाभी है मान लो, और ये अपने अब्दुल भाई की दुकान, ये छोटे से अब्दुल भाई, तो
यहां पर ये गुड्स उन्होंने क्रेडिट पर सेल्स की है गुड्स, तो दया भाभी क्या बन गई? डेटर। अभी डेटर को फ्यूचर में पे करना होता है, बट ये पे नहीं करते हैं, डजंट पे। तो जो अमाउंट पे नहीं की है, अमाउंट नॉट पेड, मतलब बिजनेस के एंगल से देखें तो कस्टमर के पास है, डेटर के पास है, जो पैसे नहीं मिले वो क्या कहलाएगा? बैड डेट। क्लियर? तो बैड डेट ये हमारे लिए क्या है? एक तरह का लॉस है, और लॉस है तो वो हमेशा क्या होता है? डेबिट। याद करो, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो बैड डेट का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। देखिए यहां पर बैड डेट अकाउंट विल बी डेबिटेड, और ये बैड डेट की वजह से क्या हो जाता है? हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। डेटर्स के पास से 10,000 रुपए लेने थे, तो हमारे डेटर्स 10,000 रुपए के थे, अब उसमें से 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो हमारे डेटर्स 10,000 के 8,000 हो गए, मतलब डेटर्स कम हो जाएंगे। तो नॉर्मली डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, अब वो नहीं मिलेंगे तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो बैड डेट के टाइम पे डेटर्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। बैड डेट का अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। ₹4,000 रिसीवेबल फ्रॉम दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पास से लेना था, मतलब ये हमारी कौन है? डेटर। कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम हर नाउ, उसके पास से अब ये पैसा नहीं मिलेगा, तो ये हमारे लिए बैड डेट बन गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट 4,000 टू दीपिका पादुकोण, यानी कि हमारे डेटर्स अकाउंट। क्लियर? और बिल्कुल इसी तरह से समझने के लिए एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। देखिए ₹1,000 रिसीवेबल फ्रॉम रणवीर सिंह इज टू बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट, मतलब बेड डेट करनी है। अभी दीपिका पादुकोण ने पैसे नहीं दिया, तो उसके पीछे रणवीर सिंह भी ऐसा ही करेगा, ऑब्वियस है। तो यहां पर 1,000 रुपए रणवीर सिंह के पास से नहीं मिलेंगे, उसको बैड डेट के तौर पर राइट ऑफ कर दो, ऐसा बोला है। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रणवीर सिंह अकाउंट 1,000। क्लियर? चलो तो वीडियो को पॉज करो और यहां तक की चीजों को समझ के लिख दो। अगर कुछ कंफ्यूजन लगा हो वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से सुन लो। इसके बाद है डेप्रिसिएशन, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। अभी इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो ये भी चीज मैं आपको पहले वाले चैप्टर में जब टर्मिनोलॉजी समझाई थी तब बताया था कि जब भी कोई हम असेट खरीदते हैं तो असेट की वैल्यू में जो कंटिन्यूअस रिडक्शन होता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। लाइक 10 लाख रुपए की कार खरीदी, आफ्टर 1 ईयर वैल्यू हो गई उसकी 7 लाख रुपए, तो ये जो 3 लाख रुपए रिड्यूस हुए वैल्यू में, इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, एंड इट इज वन टाइप ऑफ लॉस या नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो लॉस या नॉन कैश एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस या लॉस डेबिट होता है। तो यहां पर ये जो बैड डेट है, सॉरी डेप्रिसिएशन है, उसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, और उसकी वजह से क्या हुआ? ये असेट की वैल्यू कम हो गई, तो असेट का अकाउंट क्रेडिट करना होता है। तो चलिए इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं ताकि ये चीज हमें पता चले। देखो, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी 2500। अभी प्लांट मशीनरी की जगह पर आपको व्हीकल दे, फर्नीचर दे, फिक्सर्स दे, कुछ भी दे, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन तो हमारे लिए एक्सपेंस है ही, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2500 टू, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया? वो असेट का नाम यहां पर आएगा, यहां पर है प्लांट मशीन, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2500। बोलो समझ में आया? तो चलो वीडियो को पॉज करके ये इंफॉर्मेशन को भी आप अपनी नोटबुक में लिख दो, और आपके आपके कोई भी फ्रेंड्स कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए 11th 12th FSY TY CA CS के कोई भी लेवल के लिए
बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे हासिल करके अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट और अपना करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ाना चाहते हो तो सास इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है, तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर से। चलो तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटर अकाउंट ट्रांसफर। इंटर अकाउंट ट्रांसफर ये क्या है? तो व्हेन सम अमाउंट इज पेएबल, पेएबल जिसको होता है वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, टू वन पर्सन इज एक्सेप्टेड बाय अदर डेटर। अभी इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो एडजस्टमेंट भी किया जाता है, मतलब कि एक पर्सन जो है फॉर एग्जाम्पल जवान, उसके पास से मुझे 5,000 रुपये लेने हैं और उसको 3,000 रुपये देने भी है, 5,000 रुपीज रिसीव करने हैं और 3,000 मुझे उसी को पे भी करना है, तो मैं क्या करूंगा? 2,000 रुपये ले लो भाई, 3,000 का सेटलमेंट कर दो, डेटर में से भी कम कर दो और क्रेडिटर में से भी कम कर दो। क्योंकि ध्यान से समझना, 5,000 रुपये मुझे जवान के पास से लेने हैं तो जवान मेरा डेटर है 5,000 रुपये का, और मुझे उसे पे करना है 3,000, तो वो मेरे लिए क्रेडिटर है। तो अभी क्या होगा, 3,000 तो हमने क्या किया, हिसाब पिट्टूस, ना लेने हैं ना देने हैं, मतलब क्रेडिटर भी कट डेटर भी कट। अभी डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, उसको कट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट, और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो ऐसा हो ट्रांजेक्शन तो ऐसा हो जाता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, इस तरह की अगर केस दिया हो तो। यहां पर हमको किस तरह का केस आएगा देखते हैं। देखो, ₹10,000 पेबल टू बाहुबली इज एक्सेप्टेड बाय कटप्पा, मतलब के हमें 10,000 रुपये बाहुबली को पे करने हैं और वो कटप्पा ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम पे कर देंगे, मैं पे कर दूंगा। मतलब एक्चुअली में ऐसा होगा कि मुझे कटप्पा के पास से पैसे लेने हैं और बाहुबली को देने हैं, तो क्या एक मैं कटप्पा के पास से पैसे लूं और फिर बाहुबली को दूं? उससे बेटर है भाई कटप्पा बाहुबली को 10,000 दे देना, ठीक है? हाँ ओके, मुझे तो 10,000 रुपये देने ही है, आपको दूं या बाहुबली को दूं क्या फर्क पड़ता है? आपने बोल दिया बाहुबली को दे देना, दे दूंगा। बाहुबली को भी क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास से पैसे लेने थे, मेरी जगह पर कटप्पा के पास से पैसे मिल रहे, उसको पैसे मिल रहे। तो ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि जो पैसे हमें बाहुबली को पे करने थे, नाउ इट इज पेड बाय कटप्पा। अभी सबसे पहले तो बाहुबली हमारा कौन होगा, हमें उसको पेमेंट करना था, तो ये हमारा क्रेडिटर होगा। कटप्पा ने एक्सेप्ट कर लिया भाई आपके बदले में मैं पे कर दूंगा, तो कटप्पा ऐसा क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कटप्पा के पास से हमें पैसे लेने होंगे, तो वो हमारा कौन होगा, डेटर। अब जब भी ऐसा सेटलमेंट होता है, तो अभी मैंने आपको आगे समझाया कि ऑपोजिट एंट्री करनी होती है, नॉर्मली डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, देखो नोट में लिखा है, क्रेडिटर जो है उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो डेटर है उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो देखो यहां पर क्रेडिटर कौन है हमारे, बाहुबली, तो बाहुबली का अकाउंट अब हम क्या कर देंगे, डेबिट टू कटप्पा अकाउंट, अमाउंट कितनी है, 10,000 रुपए। रूल ये याद रखना है कि क्रेडिटर जो हो हमारा उसका अकाउंट जर्नल प्रॉपर में यानी कि जर्नल में लिखते वक्त डेबिट कर देंगे और जो हमारा डेटर हो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया सबको, पढ़ लो एक बार। देखो आपको एग्जाम में ऐसे सेपरेट सेपरेट ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, एग्जाम्पल में क्या होगा कि एग्जाम्पल दिया है तो इसके चार पांच एग्जाम्पल एक साथ, चार पांच ट्रांजेक्शन एक साथ होंगे, डिपेंड करता है कितने वेटेज के लिए, जितना वेटेज होगा उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन देंगे, एक दे दो दे तीन दे पांच दे सात दे, कितने ट्रांजेक्शन देते हैं वो एग्जाम में इस एग्जाम्पल का वेटेज कितना है उसके ऊपर। तो सभी अलग अलग जो ट्रांजेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो या उसमें से कुछ सिलेक्टेड वो कंबाइन करके आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन देंगे, जैसे जर्नल एंट्री में ट्रांजेक्शन आते थे बिल्कुल वैसे ही, ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स में क्या होता है जो हम करेंगे कि जो अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन से एक ही एग्जाम्पल में चार पांच सात आठ ट्रांजेक्शन दे देंगे, लाइक जर्नल एंट्री,
और फिर हमें जर्नल प्रॉपर लिखनी होती है। चलो नेक्स्ट, जो अकाउंट ट्रांसफर है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये, बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट जर्नल फॉर क्लोजिंग ड्रॉइंग अकाउंट। अभी इसके लिए सबसे पहले आपको क्विकली पता होना चाहिए कि ड्राइंग क्या है और कैपिटल क्या है। चलो जल्दी से बताओ, व्हाट इज कैपिटल? ओनर बिजनेस में जो भी कंट्रीब्यूशन देता है, यानी कैश, असेट्स और गुड्स, तो वो होती है कैपिटल। ओनर बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो। ड्राइंग क्या होता है? ऑब्वियसली ओनर बिजनेस में से जो विड्रॉल करता है, चाहे कैश, असेट्स, गुड्स, जो भी फॉर्म में विड्रॉल करे, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। मतलब के ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल कम होती है। ड्रॉइंग से क्या होता है? हमारी कैपिटल कम होती है। कैपिटल का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। जर्नल प्रॉपर में भी पहले ही ट्रांजैक्शन हमने देखा, तो कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था। और ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट ही होता है। ड्रॉइंग वाले भी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री हम लोग सीखे, तो ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अब जब ये ड्रॉइंग अकाउंट क्लोज करेंगे, तो क्लोज करके उसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल में। ड्रॉइंग अकाउंट इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ट्रांसफर करते हैं तो रूल आगे भी हमने देखा था कि ओरिजिनल जो बैलेंस होता है उसका ऑपोजिट करना होता है। लाइक ड्रॉइंग का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो ट्रांसफर करने के लिए ड्रॉइंग को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कहां पर ट्रांसफर होता है ड्रॉइंग? कैपिटल में। कैपिटल का ओरिजिनल बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो देखो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। नॉर्मली क्या होता है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है। पर अकाउंट क्लोज या ट्रांसफर करते हैं तो ऑपोजिट होता है। जैसे कि रुपीज 2000 बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या पास जर्नल एंट्री या जर्नल प्रॉपर फॉर क्लोजिंग ड्रॉइंग अकाउंट रुपीज 2000। तो ड्रॉइंग अकाउंट ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट कैपिटल में ही ट्रांसफर होता है। तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी? देखो कौन सा अकाउंट डेबिट करना है? देखो ये कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट 2000 रुपीज। बोलो समझ में आया सबको? ये चीज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉइंग अकाउंट क्लोज करना या ट्रांसफर करना कैपिटल में। क्लियर? फिर से एक बार समझ लो, ड्रॉइंग अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है ओरिजिनली, कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी ड्रॉइंग का बैलेंस ट्रांसफर करना है या ड्रॉइंग अकाउंट क्लोज करना है तो वो कैपिटल में जाता है, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है क्योंकि ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल कम होती है, एंड ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट करना होता है क्योंकि ड्रॉइंग अकाउंट को हमें क्लोज कर देना है। तो ओरिजिनल डेबिट लिखा हुआ था, अभी हम क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट क्रेडिट हिसाब फिट टू ड्रॉइंग अकाउंट क्लोज, और कैपिटल अकाउंट डेबिट किया तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। लाइक 1,00,000 रुपए की कैपिटल थी, उसमें से 10,000 रुपए ड्रॉइंग हुआ, तो कैपिटल अभी कितनी की हो जाएगी? 90,000 की। 1,00,000 में से 10,000 माइनस, तो 1,00,000 क्रेडिट किए थे, उसके सामने 10,000 कैपिटल डेबिट कर देंगे तो कैपिटल 90,000 की हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। चलो यहां तक की चीजें समझ में आई, अभी हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स 11th 12th कॉमर्स FY/SY TY BCom CA CS के कोई भी लेवल के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव या SaaS एप्लीकेशन थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पर अवेलेबल है फॉर ऑल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं और सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए क्लोजिंग एंट्री, एक तो क्लोजिंग एंट्री हमने अभी डिस्कस की ड्रॉइंग वाली, ड्रॉइंग अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं। अभी इसके अलावा ज्यादातर चीजें ये आपको पता चलेगी जब आप फाइनल अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, क्योंकि जो नॉर्मली आपको आइटम्स मिलेगी अकाउंट क्लोज करने की वो दो
अकाउंट रिलेटेड होती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड। तो ये ट्रेडिंग या P&L अकाउंट की जो आइटम होती है उसको आपको क्लोज करने की एंट्री पूछेंगे तो ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अभी कौन कौन सी चीजें हो सकती है अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हालांकि आपको प्रॉपर पता चलेगा जब फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसके अंदर ये ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को आती ही है। अभी थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पूरा एकदम डिटेल में याद नहीं रहेगा, फाइनल अकाउंट के वक्त पे पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ड्राइंग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक तो परचेस, डेबिट, अभी तो डेबिट क्रेडिट नहीं समझ रहे, सिंपल परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय वगैरह वगैरह, परचेज सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न, उसके साथ साथ सेल्स हो सकता है यहां पर, परचेस रिटर्न। अभी ये सारी चीजों को अगर आपको क्लोज करने के लिए बोला हो ना तो वो ट्रांसफर किया जाता है क्लोज करके ट्रेडिंग अकाउंट में। वहीं पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो या कोई भी इनकम हो तो वो ट्रांसफर होती है P&L अकाउंट में। अभी याद रखने का कि इनकम हो तो P&L अकाउंट क्रेडिट होता है P&L अकाउंट, और एक्सपेंस हो तो P&L अकाउंट डेबिट होता है। ये सारी चीजें हो तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है, ये चीजें हो तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है। अभी देखो, क्लोजिंग बैलेंस टोटल ऑफ परचेस अकाउंट इज 50,000। देखो परचेस का बैलेंस है 50,000, परचेस नाम कहां पर दिख रहा है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में, देखो ये रहा नाम। और ये वाले लिस्ट में हमने क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट क्या करना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर एंट्री होगी इसकी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अगर इसकी जगह पर सेल्स दिया होता कि सेल्स 50,000 रुपए का है तो एंट्री क्या लिखते हैं मुझे बताओ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर की है एंट्री, क्लोज करने की एंट्री है। वैसे सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बट ये हमें क्या करना है, क्लोजिंग, ट्रांसफर की एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है तो ऑपोजिट करना पड़ता है, मतलब डेबिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। चलो वेजिस का बैलेंस दिया है, क्लोज करना है, वेजेस एक्सपेंस ₹2,000 क्लोज करना है। एग्जैक्टली, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, देखो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट तो वेजेस अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड P&L अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, तो डेबिट क्या करेंगे, जो इनकम का नाम दिया हो वो, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। सपोज सैलरी दिया है, सैलरी एक्सपेंस है तो उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी भाई, ट्रेडिंग कहां, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये आपको थोड़ा चार्ट याद रखना पड़ेगा अभी, हालांकि याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लगेगा क्योंकि अभी तक आप ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट स्टडी किया नहीं है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, हालांकि जब हम फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फाइनल अकाउंट के भी वीडियोज हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर, तो सारे वीडियो सिक्वेंस में ही यूट्यूब चैनल पर भी रखे हुए हैं तो वहां से भी आप देख के प्रिपेयर कर सकते हैं फंडामेंटल्स। चलो इसी तरह से जो मैंने अभी आपको सेल्स का समझाया, आपने बोला अभी फिर से चेक करते याद है या नहीं, सेल्स अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री, एग्जैक्टली ट्रेडिंग अकाउंट। अभी देखा, देखो ट्रेडिंग में था यहां पर, ये रहा सेल्स, देखो ट्रेडिंग में हमने यहां पर लिखा क्या करना है, क्रेडिट करना होता है, तो
सेल्स अकाउंट डेबिट, $75,000 एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग बैलेंस सैलरी, देखो अभी मैंने बोला था, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी नाइस। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, बोलो समझ में आया यहां तक सबको? कंप्लीट, परफेक्ट, पक्का? आपकी कसम ना, मेरी कसम बोल रहा है भाई, अभी आपको पढ़ना बाकी है। चलो अभी एक और आखिरी वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली चीज भी आपको समझ में आएगी जब फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तब, जो कि है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। हालांकि इसमें से कुछ जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में भी आ चुकी है, बट ये एडजस्टमेंट एंट्री फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में ही होती है, तो उस वक्त आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आता है, जैसे हमने यहां पे अभी ट्रेडिंग अकाउंट की बात की थी ना, एडजस्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आता है, एडजस्टमेंट का, ट्रायल बैलेंस का नहीं। अभी ये सारी चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस, वो सारी चीजें जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट, तब क्लियर होगा, बट अभी याद रखना है क्योंकि ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको आ चुका है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होता है। तो देखो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्लियर? सिमिलरली इनकम के केस में भी ऐसा हो सकता है, अक्रूड इनकम, इनकम ऑफ रुपीज 1000, इनकम हम नाम ले लेते हैं ब्रोकरेज ऑफ रुपीज 1000 इज रिसीवेबल, तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखो इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता है और ये इनकम लेने की बन रही है, वो हमारे लिए असेट हो गई, तो रिसीवेबल कमीशन अकाउंट या ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कमीशन या ब्रोकरेज अकाउंट। सपोज कमीशन है तो रिसीवेबल कमीशन या अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। हालांकि ये चीजें आपको पता चलेगी फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में। और ये जो पूरा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये पूरे का पूरा एक सेपरेट चैप्टर ही है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटी है, पूरा चैप्टर ही है इसके ऊपर। तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर सारी चीजें कवर नहीं होगी, ये हम लोग पूरा जो सेपरेट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के नाम का, उसके अंदर हम लोग ये सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहां पर हमारे जो चीजें इस चैप्टर के अंदर आती थी वो सारी की सारी चीजें कवर हो गई। जो दो तीन कॉन्सेप्ट ऐसे है जिसके ऊपर पूरे सेपरेट चैप्टर है, जिसमें कौन कौन सी चीज है एक बार क्विकली याद करवा देता हूं। एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल वाले ट्रांजैक्शन, पूरा एक सेपरेट चैप्टर है। रेक्टिफिकेशन एरर्स, पूरा एक सेपरेट चैप्टर है। और फाइनल अकाउंट रिलेटेड जो चीजें हैं लाइक क्लोजिंग एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो वो उन चैप्टर्स के अंदर हम लोग और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर? यहां पर ये सारी चीजें कंप्लीट हुई, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और हमारे साहस पैम्पलेट में ये सारी चीजें लिखी हुई है, आपकी जो भी चीजें बाकी हो उसको देख के नोटबुक में से लिखोगे, ठीक है? और अपने सारे दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हो कि साहस इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव या एप्लीकेशन मोड से पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं मेरा लेक्चर एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।